हरियाणा नागरिक उड़ान विभाग के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है, जब राज्य के अपने ही हवाई अड्डे हिसार से मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले यात्री के रूप में उड़ान भरकर पहली फ्लाइट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिसार से चंडीगढ़ की पहली उड़ान की शुरुआत की गई है और इसका एक तरह का किराया प्रति टिकट 1674 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हिसार व चंडीगढ़ के बाद धीरे धीरे स्पाइस जेट अपनी हवाई सेवाओं का विस्तार हिसार से दिल्ली, जम्मू, देहरादून व शिमला तक करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज 7 सीटर वाले छोटे हवाई जहाज से हवाई यात्रा की शुरुआत की जा रही है तथा बाद में 18 सीटर व उससे बड़े जहाज भी यहां से उड़ान भर सकेंगे। हरियाणा के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन बना है जी, कि बहुत प्रतीक्षित एक जो प्रतीक्षित योजना थी हिसार एयरपोर्ट से और एक रेगुलर फ्लाइट के रूप में, आज वो सपना पूरा हुआ हमारा। उड़ान योजना के अंतर्गत आज पहली फ्लाइट प्रातःकाल हिसार से चली और मैं स्वयं उसमें बैठ करके आया हूँ। सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार की सेवा पूरे देश भर में उड़ान स्कीम के अंतर्गत चल रही है, इसको भी हमने चलाया है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 1/3 स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 1/3 ही पैसेंजर को देना पड़ता है। तो 1674 रुपये में एक कोई भी पैसेंजर हिसार से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से हिसार आ जा सकता है, यानी कहना चाहिए कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकता है। अभी तो एयर शटल ये चलाई गई है, प्रारंभ में कुछ दिन ये चलेगी, बाद में 2 महीने के बाद बड़ा जो एयरप्लेन है वो कंपनी ने कहा कि 2 महीने के बाद बड़ा प्लेन लगाएंगे 18 सीटर का। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें चेंजेस होती रहेंगी। अभी हिसार से केवल चंडीगढ़ चलाया गया है, अब इसके बाद हिसार से जयपुर, हिसार से देहरादून, हिसार से जम्मू, ये फ्लाइट्स भी और चलने वाली हैं। हिसार से दिल्ली ये भी फ्लाइट चलेंगी, तो इसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सब ली जा रही हैं और ख़ास करके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज। अभी जो पुरानी हमारे पास पुराने एयरपोर्ट के हिसाब से है वो छोटे प्लेन के लिए है, जैसे ही वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है तो फिर बड़ा प्लेन जो है वो उसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, वहाँ कार्गो भी की शुरुआत भी होगी, MROs भी बनेंगे और अभी तो एक ट्रेनिंग सेंटर 100 पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर, इसको भी कंपनी ने स्पाइस जेट ने शुरू करने का मन बनाया है। तो इनके जो प्लेन हैं उस ट्रेनिंग के लिए 10 प्लेन्स वो उन्होंने लेने के लिए बात कही है, तो आने वाले 2 महीने में 3 महीने में वो भी उनको मिल जाएंगे। जैसे उनके प्लेन आ जाएंगे तो ये ट्रेनिंग भी वहाँ शुरू हो जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।